हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आज डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इस साल आपको मिल सकते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चंस जेईई मेंस में। तो ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू वॉच कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में तो क्लियर हो ही जाएंगे और आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, ये 2017 एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया था बेटा, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई एक्स दिया हुआ है, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एट रूट एक्स दिस वन, डी वाई इज इक्वल टू दिस वन इनवर्स डी एक्स, एक्स ग्रेटर जीरो एंड वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू रूट सेवन, देन वाई ऑफ 256 इज इक्वल टू के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के साथ, और सिंपल सा केस है, ध्यान रखेंगे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, तो हम लोग तरीका ध्यान रखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का तरीका आपको पता है कि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बेटा? वेरिएबल सेपरेबल से, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक ना? और वेरिएबल सेपरेबल का यूज करते हैं तो हमारे पास सीधा सा है कि यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए था वन अपॉन एट रूट एक्स, ठीक है, एंड इन रूट ऑफ 9 + √x हो गया, और ये तो यहाँ पे ही रहेगा, तो इसको हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है दिस इज वन, 4 + √x, और ये कंप्लीट क्या हो गया बेटा, dx हो गया। अब डी वाई की वैल्यू है बेटा, ये डी वाई की वैल्यू, डी एक्स को हमने इधर ही कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वेरिएबल सेपरेबल हो चुके हैं। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे क्या कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें, और यहाँ पर भी हम इसे क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सिंपल सा है कि हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करते ही आपको दिखेगा कि वाई इज इक्वल टू आएगा। देखिए यहाँ पे इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? तो वाई इज इक्वल टू तो आ गया, तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक काम करते हैं, अगर हम इस कंप्लीट वैल्यू को देखिएगा ध्यान से, 4 + √9 + √x को अगर t मान लेते हैं, ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 का तो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 / 2 × √9 + √x हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इसका तो हो गया, फिर 9 को कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस का रूट एक्स का, तो 1 / 2 √x आ जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 1 / 4 √x हो गया, और √9 + √x हो गया, और डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे 8 √x है, 8 √x है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी हमने 1/2 कर दिया। मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो वाई की क्या आ रही है बेटा, वाई की वैल्यू आ रही है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt, और डिवाइड बाय आ रहा है, डिवाइड बाय क्या है बेटा, ये t आएगा, तो वैल्यू आएगी √t। तो अब मुझे बता सकते हैं आप कि 1/2 √t इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज अ √t, ठीक है ना? ये हो गया y। अब √t का मतलब इन रूट ऑफ 4 + √9 + √x हो गया, और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है ना? कांस्टेंट तो ऐड होता ही है, ठीक है? और वाई ऑफ जीरो की वैल्यू दी गई बेटा, वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी गई, √7। तो वाई ऑफ जीरो मतलब एक्स की वैल्यू हमने क्या लगा दी, जीरो लगा दी। यहाँ जीरो का पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 9 का √3 आ जाएगा, और 3 + 4 = 7, मतलब √7 प्लस का सी इज इक्वल टू, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी, सी जीरो आ गया। अगर सी की वैल्यू जीरो है तो आप वाई ऑफ 256 लगा दीजिए बेटा, तो वाई ऑफ 256 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बता सकते हैं आप? रूट के अंदर देखिएगा, यह अगर 4 + √256 है बेटा, तो अगर √256 है मतलब इसका रूट क्या जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 + 9 = 25, 25 का √5, 5 + 4 = 9, और 9 का √3। तो हम कंप्लीट डायरेक्ट लिख लें बेटा इसकी वैल्यू, इसके बाद हम लिख लेते 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आना चाहिए था वो आंसर आना चाहिए था 3, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है? तो हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, और इसे पहली बात तो एवप कर ले इसे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ना कहीं कोई समस्या आती नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो देखिए बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन। तब ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। और देखिए बेटा इसको, एफ एक्स बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू दिया गया है, एफ डैश ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं इसे कि क्या दिया गया है। ये एक्चुअल में क्या दिया गया बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स दिया गया है, मतलब इसकी वैल्यू एफ एक्स दी गई है, ठीक ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है आपको, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, ठीक है ना। एच ऑफ एक्स क्या दिया बेटा, एफ ऑफ एक्स दिया गया, देन एच डेस ऑफ एक्स की वन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करना है हम लोग, ठीक है। पहली बात तो देखिएगा यहाँ पे एफ डेस ऑफ एक्स की जो एफ एक्स दी गई बेटा, तो हम लोग के पास सीधा सा तरीका ये है कि एफ डेस एफ एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया वाई। तो हमें पहली बात तो एफ एक्स निकालना होता है, और एफ एक्स को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। तो यह आएगा वन अपॉन वाई, डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स, और ना इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यह आएगा एल एन वाई आ गया, और इज इक्वल टू आ गया बेटा एक्स प्लस का सी, ठीक है। मतलब ये एल एन एफ ऑफ एक्स हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई एक्स प्लस का सी, जिससे कि हमें कुछ वैल्यूज मिल जानी चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर वन पुट किया जाए तो एल एन टू हो जाएगा बेटा, तो एल एन टू इज इक्वल टू हो गया, अगर एक्स की जगह वन है, वन प्लस का सी हो गया। मीन्स सी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई है एल एन टू माइनस का वन, मीन्स एल एन वाई। एल एन वाई इसकी वैल्यू जो आएगी, एल एन वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, एक्स प्लस एल एन टू माइनस का वन। ये एक्चुअल में लॉग का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये एफ एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एफ एक्स को करना चाहें तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज अ ई रेस्ट पावर, ध्यान से देखिएगा, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस का एल एन टू माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब एक्चुअल में आपको एच डेस ऑफ एक्स चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एच डेस ऑफ एक्स अगर आपने किया, एच डेस ऑफ एक्स अगर आपने किया तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एफ डेस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इंटू एफ डेस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एफ डेस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में अगर बात की जाए, ठीक ना, एफ डेस ऑफ एफ एक्स के बारे में बात की जाए तो एफ डेस ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, एफ डेस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ई रेस्ट पावर एक्स प्लस का एल एन टू माइनस का वन तो होगा ही होगा, और जब इसकी पावर की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू भी क्या आएगी, वन ही आ जाएगी, ठीक है। अब बात हो रही है कि एफ डेस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो तो यही है, ये तो यही है, लेकिन यहाँ पर हमें इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू का हमने मान लीजिए वन पुट कर दिया, ठीक ना, तो एफ डेस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की जगह वन पुट कर दिया तो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, और ये एफ डेस ऑफ वन आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं बेटा, एफ डेस ऑफ एक्स आपको पता है, एक्स से क्या पुट करना है आपको, टू पुट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा ई रेस्ट पावर टू प्लस एल एन टू माइनस वन, और यहाँ से वन पुट कर दिया एफ डेस ऑफ वन का, तो ई रेस्ट पावर वन प्लस एल एन टू माइनस का वन आ जाएगा। मतलब ई रेस्ट पावर अगर देखा जाए तो ये आएगा थ्री प्लस का टू एल एन टू माइनस का टू आ जाएगा, ठीक है। मतलब आ गया ई रेस्ट पावर वन प्लस टू टाइम्स एल एन टू आ जाएगा, और इसे थोड़ा सा माइनस करेंगे हम लोग इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये e पावर वन है, और ये e पावर एल एन टू का स्क्वायर है, मतलब ये तो e हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये वैल्यू क्या हो गई, e हो गई। ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ये वैल्यू हो गई e, और यहाँ पर देखा जाए तो ये बेस e होता है बेटा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर आ जाएगी, तो इसका आंसर फोर e आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाना चाहिए था कि आप इसको फोर e लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाँ तो बेटा जी हम लोग बात करें कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है हमारे पास द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
आपको दिया गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया गया है, और वेयर y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 दिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ही आपको दिखता है कि भाई dy वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, dy वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई प्लस का सी टाइप की है, तो हम लोग इसको कांस्टेंट एज्यूम करते थोड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सिंपल सा एक्स माइनस वाई को आप टी मान लीजिए। तो देखिएगा यहाँ से एक्स का क्या डिफरेंस है, 1 माइनस का यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल सा काम होता है कि 1 माइनस का डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर, और हम बात कर सकते हैं डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ओके ना। इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिए और आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है 1 अपॉन 2 a ln, क्या होता है बेटा, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है। तो ए प्लस एक्स मतलब 1 प्लस का टी अपॉन 1 माइनस का टी हो जाएगा, और प्लस का सी, और इज इक्वल टू हम एक्स प्लस का सी लिख लेते हैं, और टी की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्स माइनस वाई से। तो यह आएगा 1 अपॉन 2, यह आ गया एल एन, और यह आएगा 1 प्लस का क्या देखिए बेटा, एक्स माइनस का वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस का वाई और इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 लगानी है, तो वाई की वैल्यू भी क्या है, 1 है। एक्स 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो कैंसिल आउट हो गया, दिया जाएगा हाफ एल एन, 1 1 कैंसिल हो गया बेटा, तो आ गया 1 अपॉन, यहाँ पे भी क्या बेटा 1, और ये भी 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 आ गया। इज इक्वल टू एक्स प्लस का सी, मतलब सी की वैल्यू आपको, सॉरी एक्स की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई, ये तो 0 है, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही, सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 1 आ गई। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो ये देखिएगा कुछ कहीं आपको दिख जाएगा, एक मिनट हम इसे थोड़ा सा स्क्रोल कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं एल एन 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 टाइम्स x माइनस 1 आपको कहीं यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना, 2 टाइम्स x माइनस 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है। तो माइनस दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि जो डिनोमिनेटर है ये आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो मतलब माइनस आप बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ दिया गया बेटा 0 to 1 दिया गया है, और रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिया गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 1, एंड एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कहा गया बेटा, और वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन विथ वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, देन वाई ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस दिस इज इक्वल टू पूछा गया है, ठीक है ना। तो सिंपल सा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा वो डिपेंड कर दी वाई इजक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स पर डिपेंड कर दी, और एफ एक्स किससे कनेक्टेड है, दिस वन से। तो पहला काम तो ये करना है आपको कि एफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन दी गई बेटा, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू दिया गया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया गया है, ठीक ना। और जहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है बेटा, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर देंगे, एक्स एंड वाई की। सिंपल सा केस बेटा, जब भी आपको यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग करते क्या है, हम लोग वैल्यू को रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक ना, वैल्यू को कुछ रिप्लेस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करके देख लीजिए, ठीक ना, 0 पुट किया तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ 0 आ गई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एफ ऑफ 0 पुट कर लिया, ठीक ना। यहाँ पर क्या आ गया वाई, तो एक काम करते हैं वाई को भी 0 पुट कर ले, क्या कर लेते हैं वाई को भी 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया एफ ऑफ 0 आ गया, सभी कुछ 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ 0 अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ 0 माइनस का 1 आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब आपको ये पता है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी वन आ जाएगी, सिंपल। एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहाँ से एक काम करते हैं कि वाई की जगह पे अगर जीरो पुट कर दिया जाए, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर सारी रिप्लेसमेंट आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की जगह देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा एफ एक्स, तो एफ एक्स पड़े रहने देते हैं और ये एफ ऑफ जीरो आ गया। एफ जीरो की वैल्यू क्या बेटा, वन है, वन है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो तो वन आ गई। और जैसे ही आपके पास एफ एक्स आ गया, आपका सारा समस्या का समाधान हो जाता है और अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स दिया गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, वन हो गई है। इंटीग्रेट किया तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस का सी आ गया। और जैसे ही जीरो पुट किया तो एक्स की जगह जीरो पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ रही है, तो मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स प्लस का वन आ जाएगी, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ रही होंगी, वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वन आ गई। और वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर आ गया है तो आपको सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। वाई ऑफ क्या निकालना बेटा, हमें निकालना है वाई ऑफ वन बाई फोर प्लस का वाई ऑफ थ्री बाई फोर, चेक कर लीजिए बेटा। जब 1 बाई फोर पुट करेंगे तो 1 बाई फोर प्लस 1 आ जाएगा, और जब 3 बाई फोर पुट करेंगे तो प्लस का 1 तो आना ही आना है। ये हो गया 1 और प्लस का 1 2 3 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 3 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी ना बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये कि आपको एफ एक्स की जो फॉर्मेशन थी वो कैसे निकालनी, वो आपको चेक करना जरूरी था, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बेटा, वो दिया गया है कुछ ऐसा कि इफ 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई प्लस 1 कॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन वाई ऑफ एंड वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 दिया गया है, देन वाई ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू। तो सिंपल सा काम करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे इसको वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि हम लोग क्या करना है, हम लोग को वेरिएबल सेपरेबल करके देख लेना है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए आप, इसके लिए हम काम कर लेते हैं। 2 प्लस साइन एक्स दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कर लेते हैं माइनस का वाई प्लस 1 ऑफ कॉज एक्स दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम इसके साइड में भेज सकते हैं, वाई प्लस 1 को यहाँ भेज सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं डी वाई बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉज एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं और डी एक्स लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसी में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं जो कि हम लोग से होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे अब क्या करना है, अब आपको इसे इंटीग्रेट कर लेना है। तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन का, इसका आएगा एल एन वाई प्लस 1, एल एन वाई प्लस का 1 आ गया इज इक्वल टू, अगर आपने 2 प्लस का साइन एक्स को टी मान लिया है, 2 प्लस साइन एक्स को टी माना है, 2 प्लस साइन एक्स को टी मान लिया है, तो साइन एक्स का क्या आएगा बेटा, कॉज एक्स आ जाएगा और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे आएगा माइनस का कॉज एक्स टी एक्स डी टी, डी टी अपॉन टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का एल एन टी आ जाएगा और प्लस का सी तो आना ही, ठीक है, एल एन वाई प्लस का 1 हो गया। अब थोड़ा सा बैलेंसिंग करते हैं बेटा, इसे इधर भेज दिया जाए तो एल एन ये हो जाएगा वाई प्लस का 1 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि एम प्लस एन हो जाएगा इज इक्वल टू सी हो गया। अब टी की वैल्यू आपको पता है 2 प्लस का साइन एक्स है, 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो टी की वैल्यू पुट कर देते हो, एल एन वाई प्लस 1 और टी की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 2 प्लस का साइन एक्स पुट कर लेते हैं और वैल्यू है हमारे पास सी की। अब चेक करते हैं वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 है बेटा, वाई ऑफ जीरो मतलब एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दी जाए तो ये जीरो हो गया। y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, और ये 2 2 इंटू 2 4 एल एन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू सी आ गया। मीन्स अब आपको ये पता चल गया है कि एल एन ऑफ y प्लस 1 इंटू ऑफ
टू प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए सी का मतलब क्या हो गया, सी की वैल्यू होगी आपकी 4, एल एन 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा एल एन 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एल एन 4 हो गई। ठीक है, आप एल एन से एल एन को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हम बात करेंगे वैल्यू की, हमें एक्चुअली जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना उसके बारे में बात करते हैं। तो वैल्यू जो चाहिए थी हमें वो वाई ऑफ पाई बाय टू चाहिए थी, वाई ऑफ पाई बाय टू चाहिए थी, ठीक ना, वाई ऑफ पाई बाय टू, तो पाई बाय टू के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, तो देखते हैं पाई बाय टू क्या है, पाई बाय टू पे वैल्यू क्या है बेटा, वन आ जाएगी। ठीक है ना, और एल एन तो एल एन कैंसिल हो सकता है, एल एन एल एन कैंसिल हो सकता है, तो वाई ऑफ वाई प्लस का वन इंटू साइन पाई बाय टू के वन हो जाएगी, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया फोर, 4/3, तो y इज इक्वल टू होगा 4/3 माइनस का 1, मतलब हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो होप आपके पास ये आंसर आ रहा होगा 1/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए जो कि मुझे लगता है। ठीक है ना, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा होगा आपको, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और उस पेज को भी इंसर्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू वॉच कीजिएगा बेटा इसको, इस बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी है और मज़ा आना है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। हम लोग इस पीडीएफ को सॉल्व कर लिया बेटा, हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे बेटा यहाँ पे कि क्वेश्चन किस टाइप से आपको टैकल करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था ही नहीं, ये 2016 का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, और ये एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, फिर भी जो सामने क्वेश्चन दिया गया है तो उसे हम लोग सॉल्व तो कर ही दिया जाए। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इस टाइम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए, चलिए तो देखते हैं हम लोग इसे वो कैसे सॉल्व करें। ओके, तो इसको थोड़ा सा, एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए और लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले बेटा, तो पहली बात तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं और इस स्पेस बना लें। यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना बेटा, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो यहाँ पे जो साइन के साथ केस दिया गया, ये साइन दिया गया, ये साइन दिया गया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब भी वन अपॉन साइन ए साइन बी मिलता है आपको, वन अपॉन साइन ए साइन बी मिलता है, साइन ए और इंटू साइन बी मिलता है, तो कोशिश ये होती है कि हम बेटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लें, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में फिर बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन में आपको दिया गया ना बेटा, सॉरी इंटीग्रेशन समेशन नहीं दिया गया, तो समेशन का जो वैल्यू दिया गया, समेशन के इज इक्वल टू 1 to 13 दिया गया है, और जो साइन दिया गया, तो एक काम करिएगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगाने की कोशिश करते हैं। तो साइन ध्यान से देखिएगा, साइन ये ए है और ये बी है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे के माइनस वन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पाई बाई फोर और माइनस का के पाई बाई सिक्स, ये प्लस का है, ये ए हो गया, और माइनस का बी बनाने की कोशिश करते हैं, तो पाई बाई फोर और प्लस का हमने लिखा के माइनस वन और लिख दिया पाई बाई सिक्स। ठीक है ना, ये हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है और डिनोमिनेटर जो आपके पास है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक ना, एज इट इज लिख दिया। अब एक चीज देखिएगा, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस देखें तो पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल, के पाई बाई सिक्स और के पाई बाई सिक्स भी कैंसिल, तो पाई बाई सिक्स बच जाएगा। इसका मतलब है कि हमने एक्स्ट्रा जो किया है वो है वन अपॉन साइन पाई बाई सिक्स एक्स्ट्रा किया हुआ है। ठीक है, क्यों ये एक्स्ट्रा किया हुआ था, अब एक काम करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि भाई यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी बेटा ध्यान से देखिएगा, साइन पाई बाई सिक्स का मतलब 1/2 होता, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू लिख दिया, क्या लिख दिया, सॉरी हमने लिख दिया टू। ठीक है ना, और समेशन लगा हुआ, तो समेशन का भी थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं। ठीक है ना, हम बाद में यूज़ कर लेंगे इसका,
वहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है साइन ए माइनस बी का, तो मतलब ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस का के पाई बाई सिक्स हो गया इंटू कॉज ऑफ पाई बाई फोर प्लस का के माइनस का वन और पाई बाई सिक्स हो गया साइन ए कॉज बी, और माइनस का कॉज ए होगा पाई बाई फोर प्लस का के पाई बाई सिक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई फोर और प्लस का होगा के माइनस का वन पाई बाई सिक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। और दोनों को ही हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करने का मतलब ये बेटा कि हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई फोर लिखेंगे और प्लस का के पाई बाई सिक्स लिख दिया इंटू साइन पाई बाई फोर प्लस का के माइनस का वन पाई बाई सिक्स लिख दिया। ध्यान से देखते रहिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए, कई बार पूछे गए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इनटू में क्या लिखा बेटा, साइन पाई बाई फोर और प्लस का के माइनस का वन पाई बाई सिक्स होगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया तो ये कॉट आ जाएगा, और यहाँ से कॉच ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी कॉट आ जाएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है दैट इज टू टाइम्स कैंसिल आउट करता हूँ बेटा, देखें ये कैंसिल आउट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट का केस आएगा, तो मतलब ये आ जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स इंटू के माइनस का वन है और माइनस का कॉट ऑफ पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स इंटू के है। ठीक है ना, और सम्मेशन जो लगा हुआ था वो एक में के इज इक्वल टू वन टू 13 लगा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये कंडीशन को फॉलो कर लिया तो अब इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और हम लोग क्या कर देते हैं कैसे क्वेश्चंस में, अब सम्मेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, टू टाइम्स दिया गया, ध्यान रखिएगा कॉट की वैल्यू के की वैल्यू वन पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने वन पुट किया तो यहाँ पे कॉट पाई बाय फोर से स्टार्ट होगा, कॉट पाई बाय फोर, और माइनस का जैसे ही आपने वन पुट किया है तो ये आएगा कॉट पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स आएगा। ठीक ना, प्लस जब आपने टू यूज़ किया तो ये आएगा कॉट पाई बाई फोर प्लस, जैसे टू माइनस वन करेंगे तो वन आ जाएगा, तो मतलब पाई बाई सिक्स आ जाएगा, और माइनस का यहाँ आएगा कॉट पाई बाई फोर प्लस टू पाई बाई सिक्स आ जाएगा। ठीक ना, इस चीज़ों को समझिएगा। ऐसे अगर मान लीजिए, अगर हमने नेक्स्ट, अगर हमने मान लीजिए 13 यूज़ कर लिया, ध्यान से देखिएगा, या 13 क्या मतलब 3 यूज़ कर देते जैसा, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 यूज़ किया तो पाई बाई सिक्स, 3 यूज़ किया मतलब टू आएगा, टू पाई बाई सिक्स हो गया, और माइनस का कॉट देखा जाए यहाँ आएगा पाई बाई फोर, प्लस का आएगा थ्री पाई बाई सिक्स आ जाएगा। सेम मैनर हमने 13 यूज़ किया तो ये आएगा कॉट पाई बाई फोर और प्लस का 13 यूज़ करने पर 12 पाई बाई सिक्स आ जाएगा, और माइनस का कॉट पाई बाई फोर और प्लस का आएगा 13 पाई बाई सिक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। एक चीज़ देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये इससे कैंसिल करेगा, इससे ये कैंसिल होगा, मतलब ये सारी वैल्यूज बीच वाली कैंसिल हो जाएंगी, और बचेगा क्या, टू टाइम्स कॉट पाई बाई फोर मतलब वन माइनस ये जो बच गया आपके पास, देखिएगा ध्यान से, ये बचेगा कॉट पाई बाई फोर प्लस का 13 पाई बाई सिक्स बेटा। 13 पाई बाई सिक्स का मतलब होता है टू पाई प्लस का पाई बाई सिक्स, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, और प्लस का पाई बाई फोर हो गया, मतलब पाई बाई सिक्स प्लस का पाई बाई फोर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 12, और यहाँ पे टू मतलब थ्री पाई बाई ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक ना, मतलब सॉरी थ्री पाई बाई ट्वेल्व नहीं, सॉरी गलत हो गया, फाइव पाई बाई ट्वेल्व क्या आएगा बेटा, फाइव पाई बाई ट्वेल्व, और ये टू पाई प्लस है तो कॉट 360 प्लस थीटा, थीटा हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे फाइव पाई बाई 12 लिख लिया। ठीक है, और ये एक्चुअल में कॉट 75 हो गया बेटा, कॉट 75, तो हम लोग डायरेक्ट कॉट 75 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें ना, कॉट 75 लिख दी, कॉट का मतलब 1 बाई 10 हो गया, 10 75 कर देते हैं, और 10 75 का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 10 75 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो 10 75 मतलब हो गया 10 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, 10 45 प्लस 30 का मतलब हो गया 1/1√2 डिवाइड बाई 1 - 1/√3, और ये जो वैल्यू होती है डायरेक्ट शायद आपको याद हो 2+√3 होती है, क्या होती है बेटा 2+√3 होती है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर लेते तो ऐसे ही आएगा √3 + 1/√3 माइनस का 1 आ जाएगा, रेस्टलाइज कर लीजिए तो यहाँ आएगा √3 + 1। ठीक ना,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टू आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाय आएगा टू आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो थ्री प्लस का वन प्लस टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू आ गया, मतलब टू प्लस रूट थ्री। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा आपको, कॉट 1075 का हो गया, तो कॉट 75 का जो होगा वो क्या होगा, टू माइनस का रूट थ्री होगा। ये 1075 है बेटा, 1075, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टू टाइम्स वन माइनस टू माइनस रूट थ्री, और इसे कैलकुलेट करना है तो टू टाइम्स ये कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हो गया रूट थ्री और ये हो गया माइनस का वन, तो टू इंटू रूट थ्री माइनस का वन इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो वैल्यू आई थी टू टाइम्स रूट थ्री माइनस का वन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका सी सेक्शन। ओके, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फिलहाल ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो नहीं था इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके, तो बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक मिनट, नेक्स्ट पीडीएफ को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली, ये सॉरी ये तो हो चुका था। एक मिनट, इसको देखते हैं, इसी में क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, इसके बारे में बात करनी है हमें। ठीक है ना, तो अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को भी और मजा आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करना है और उसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू y ऑफ x दिया गया एंड दिस dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का cos x दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था। ठीक है, शायद माइनस का 1/3 आ गया था। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की फिर से जरूरत तो मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। देखिएगा यहाँ पे क्या था बेटा, dy बाई dx, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे dy अपॉन में y प्लस का 1 है इज इक्वल टू में माइनस का कॉज एक्स अपॉन में टू प्लस का साइन एक्स था, और हम लोगों ने सॉल्व किया था इसे इंटीग्रेशन में dx, और इसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसकी वजह 1/3 आ गई थी बेटा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं भी किया होगा तो आप इसे कर सकते हैं ट्रांसफर करके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हाँ तो बच्चों बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो दिया गया था, ये दिया गया क्वेश्चन फंक्शन दिया गया है 0 to ∞ टू रियल नंबर, वी आर कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 2x प्लस 0 to x ई रेस्ट फॉर एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to ∞ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू दिया। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि जब भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में टिक लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसके हिसाब से थोड़ा सा काम करेंगे जो आपके पास फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो देखिएगा, जब भी किसी भी डिफरेंशियल किसी भी क्वेश्चन में जब आपके पास इंटीग्रेशन जो होता है ना, जिसमें वेरिएबल आपके पास इंक्लूड होता है, ये देखिए वेरिएबल इंक्लूड है, तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना होता है। और ये डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अपर लिमिट में फाई ऑफ एक्स दिया गया और डिनोमिनेटर में ये बेस में साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी दिया गया, ध्यान से देखिएगा डीटी, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है फंक्शन, कैसे है बेटा कांस्टेंट है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है और फिर फंक्शन में क्या करते हैं, टी की जगह आपको एक्स रिप्लेस करना होता है, और माइनस का लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और फंक्शन में लोअर लिमिट रिप्लेस हो जाता है।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फंक्शन दिया गया वो एक्चुअल में दिया गया है 1 माइनस 2x प्लस 0 to x दिया गया बेटा, और ई रेस्ट पावर x माइनस टी दिया गया है, एफ ऑफ टी दिया गया है और डी टी दिया गया है। और ये जो फंक्शन है इसे अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सा केस है बेटा, हमने बात की कि जब भी डिफरेंशिएशन करना होता है तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ना यहाँ पर, ये जो फंक्शन होना चाहिए ये एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है कि हम लोग को एक्स को एलिमिनेट करना होता है, तो एक्स को हम लोग यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सिंपल सा केस है कि अगर हम दोनों साइड में ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने देख लिया ई पावर माइनस का एक्स माइनस 2x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस 0 to x हो गया, और ये हो गया ई पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट हो गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब हम इसे सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते, हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा इसको, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स हो गया, एफ एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, एफ डेस ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस एफ एक्स होगा और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का बेटा ई पावर माइनस एक्स लिख दिया और माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस का ई रेस्ट पावर माइनस का एक्स हो जाना चाहिए, माइनस ऑफ 2 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, एक्स कॉन्स्टेंट रखा और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का माइनस का ई पावर माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स होगा और एक्स का तो 1 हो जाएगा प्लस। इसके बारे में बात करते हैं तो एक्स को अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स को यहाँ रिप्लेस किया तो ई रेस्ट पावर माइनस का एक्स हो गया, और यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जब लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 0 ये हटा देते हैं। यहाँ पर अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू एक्चुअल में आ रही है वो आ रही है कुछ इस टाइप की, ई पावर माइनस एक्स हो गया, एफ डेस ऑफ एक्स हो गया, माइनस ई पावर माइनस का एक्स है, एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स है, माइनस 2 टाइम्स ई पावर माइनस एक्स, तो मतलब माइनस का 3 टाइम्स ई रेस्ट पावर माइनस का एक्स हो गया, प्लस का 2x ई रेस्ट पावर माइनस का एक्स हो गया, और प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया। एक चीज़ तो आपको दिख रही कि ई पावर माइनस एक्स सभी जगह प्रेजेंट है, तो इसे हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो एफ डेस ऑफ एक्स आ रही है, कि एफ एक्स है, एक एफ एक्स आपको यहाँ मिलेगा तो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो माइनस का 2 एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर अगर ई पावर माइनस एक्स गैप हुआ है तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं जैसे कि आपको समझ में आए, माइनस का 2y इज इक्वल टू जो है वो है 2x माइनस का 3, ठीक है ना। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है जिसको अगर हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें इसके लिए IF की रिक्वायरमेंट होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है ई रेस्ट पावर माइनस का 2dx हो जाएगा, ई पावर माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन लिखना चाहें तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं बेटा, आपको याद होगा सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं y इंटू IF, IF की वैल्यू ई पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड बेटा 2x माइनस 3 एंड ई पावर माइनस का 2x मतलब IF हो गया और dx हो गया और प्लस का c आ गया। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है और देन हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू निकालते, तो y ई पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू जो आ गया हमारे पास वो आ गया है, इसे काम करते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड मान लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आ गया 2x माइनस 3, इसे इंटीग्रेट किया तो ई पावर माइनस का 2x हो गया और डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ई पावर माइनस का 2x हो गया और डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा, माइनस का 2 आ गया और dx हो गया। देखते रहिए बेटा कांस्टेंट भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस का 2x, ये 2 से 2 कर सकता है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अगेन हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस की ही आएगी, ई पावर माइनस का 2x डिवाइड बाई
टू और प्लस का सी हो गया, ये हो गया वाई ऑफ वाई ई पावर माइनस टू एक्स। ई पावर माइनस टू एक्स भी सभी जगह दिख रहा है तो आप इसे भी हटा सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू आएगा टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस टू, माइनस ये हो गया वन बाई टू हो गया, और प्लस का सी के साथ जो आएगा वो आएगा ई पावर टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, तो टू से टू कट जाएगा तो यहाँ माइनस एक्स है, क्या हो गया माइनस एक्स। ये प्लस का देखिएगा ध्यान से, थ्री बाई टू है, ये प्लस का थ्री बाई टू है, थ्री बाई टू माइनस का वन बाई टू करेंगे तो क्या आएगा बेटा वन आ जाएगा, और प्लस है सी ई पावर टू एक्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास इक्वेशन आ रही है जहाँ पे अभी भी सी की वैल्यू अननोन है। तो जब सी की वैल्यू हमें निकालनी, तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं एक्स के लिए को जीरो पुट कर देते हैं। कहाँ पुट कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, वाई निकालना है एक्चुअल में, तो यहाँ से तो वाई निकलेगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा एक्स के लिए को जीरो पुट करना है। देखिए कहाँ पर पुट कर देते हैं, जो इक्वेशन दी गई हमारे पास एक्स के लिए, अगर हम यहाँ पे एक्स के लिए, अगर हम यहाँ पे, हाँ से देखिए, अगर हम एक्स के लिए को यहाँ पे पुट करें एक मिनट, ये आ गया है, थोड़ा सा नीचे मूव कर गया है, तो वापस पोजीशन पे आते जाओ, तो हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आ गए थे। एक्चुअल में हमें बात यहाँ करनी थी बेटा, हमने बात की थी एक्स के दो को जीरो पुट करना था बेटा, एक्स के दो क्या कर पुट करना था, जीरो पुट करना था। एक्स अगर जीरो पुट कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये अगर जीरो हो गया और यहाँ पे जीरो पुट किया तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी जीरो, तो वैल्यू क्या जाएगी बेटा वन आ जाएगी। तो एफ ऑफ जीरो, सॉरी यहाँ पे वैल्यू हमने देखिए निकाल भी रखी है, वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या बेटा वन है। ठीक है ना, तो वाई ऑफ जीरो क्या आ गया वन आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है वन आ रही है, तो एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू वन, एक्स जीरो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई। तो अगर हमने एक्स को जीरो पुट किया तो वाई आ गया वन, तो वन वन कट जाएगा, मतलब सी ई पावर टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो, इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्चुअल में, वो इक्वेशन आनी चाहिए आपकी वन माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा वन माइनस एक्स आएगा, वाई इज इक्वल टू आ गया वन माइनस एक्स, और ये ही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन अगर हमारे पास आ गई, इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया वन, और इसको आप सेटिस्फाई करा लीजिए जिसको भी सेटिस्फाई कराना है। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसके बाद आते हैं ऑप्शंस पे, तो ऑप्शंस क्या कहता है ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया था वन आया था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन आया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन आई थी, अब ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई किसको करेगी, किससे पास हो जाएगी, टू और माइनस वन से। अगर हम एक्स की जगह पे टू पुट कर दें तो वाई की जगह क्या आएगा बेटा माइनस वन आएगा, ऑब्वियस सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगी। एक कंडीशन और भी दिया था बेटा, द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, और ये कंडीशन दी गई थी, ध्यान से देखिएगा, वाई इज लेस इक्वल टू इन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग इन इक्वल टू को हटा दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। मतलब ये इक्वेशन ऑफ एक्चुअल में सर्कल है, जिसका ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है बेटा अपर पार्ट होता है, बिकॉज वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि अगर निगेटिव होते तो हम लोग इनको निगेटिव पार्ट लेना पड़ता, मतलब हमें इस टाइप का केस देखना है। ये पार्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, इस हिस्से के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। अगर ये हिस्सा है, और एक चीज़ देखते हैं, इसने कहा एरिया, तो वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, तो अगर हम एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। और इसके बीच के एरिया देखिएगा ध्यान से, वाई लेस होना चाहिए, मतलब ये इनर पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और एफ एक्स मतलब जो हमारे पास जो रीजन आया है, वो रीजन से रीजन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई जो होगा वो अपर पार्ट है, इस एफ एक्स जो हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की ना बेटा, एफ एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट की, ये वाई जो है इसके अपर पार्ट है, मतलब ये वाला हिस्सा होगा, इस हिस्से के बारे में बात की जा रही थी, ये हिस्सा क्या होगा। ये सब बहुत सिंपल सर बेटा, हम सर्कल के फोर्थ पार्ट से, सर्कल के फोर्थ पार्ट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, ठीक ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकाल लेते हैं, ये ट्राइंगल निकाल लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिएगा हम लोग यहीं पर इसको काम कर लेते हैं, ठीक ना, देखिएगा
एरिया का फोर्थ पार्ट क्या होगा बेटा, इसकी रेडियस कितनी, वन है, वन है तो पाई बाई फोर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस वन बाई टू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई फोर माइनस का वन बाई टू, और इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि पाई माइनस टू डिवाइड बाई फोर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालना तो बहुत आसान था, अगर आपको फंक्शन पता है तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो काफ़ी मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंदे तो होते ही हैं, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन को लेके चलना पड़ता है, तो इसे अच्छे से आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत आते हैं, इसलिए कभी भी आप इसे मिस आउट नहीं करेंगे, ओके बेटा। तो चलिए बेटा हम लोग बात करें अब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना, देखते हैं। चलिए बेटा बात करें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। तो जो फंक्शन दिया गया एफ दिया गया है 0 से इन्फिनिटी, और डीएल दिया गया है बी डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस एफ वन इज नॉट इक्वल टू वन दिया गया बेटा। देन आपको वैल्यू के बारे में बात करनी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जब भी आपको इस टाइप का कंडीशन दे दिया जाए तो एक काम किया जा सकता है कि आपके पास जो फंक्शन है उसे हम लोग एक काम करेंगे, बहुत आसानी से एक काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, और प्लस का अगर हम चाहें इसे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं बेटा, वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टू लिख सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये वाई है और ये एक्स है, और ये क्या हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आपको आई एफ दिखेगा, आई एफ की जो वैल्यू दिख रही है वो ई रेस्ट पावर वन अपॉन एक्स डी एक्स दिखेगी, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी ई रेस्ट पावर एल एन एक्स होगी, और इसका मतलब एक्स होता है। तो जैसे ही आपको ये दिखा तो आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो बेटा, इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट, सो वी गेट एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस का c हो जाएगा, ये हो गया y ऑफ x की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि हम y इज इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस का c x का इनवर्स लिख सकते हैं, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे देखिए c की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और c की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू वन दिया गया बेटा, तो अगर हम x की वैल्यू को वन पुट कर दें, x की वैल्यू को वन पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे वन पुट कर देते तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अगर वन पुट किया यहाँ पे भी वन पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आ जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू को वन पुट कर देंगे वाई की वैल्यू क्या बेटा, वन नहीं है, ओके ओके सॉरी वाई की वैल्यू वन नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से तो सी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारा काम यहाँ से है, ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग वर्क क्या कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, आपको जो कंडीशन दी गई है वहाँ पे क्या कहा गया बेटा, आपको y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स के बारे में बात की है, तो y ऑफ x है ये, मतलब ये क्या बेटा, ये एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई वो दी गई है x प्लस c अपॉन x दी गई है। तो अगर हम f वन अपॉन x निकाल लें तो क्या मिलेगा मुझे, वो मिलेगा वन अपॉन x और प्लस का c मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वन अपॉन एक्स, और इसका क्या आएगा बेटा, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का जीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि एफ डेस ऑफ वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, एफ डेस ऑफ वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कर सकता है, ये वैल्यू कह रही वन आ रही है। अब आप यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लगाइए, जीरो माइनस लगाइए, उससे क्या फर्क पड़ना है, वैल्यू क्या जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमें बस इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स कहा गया, तो एक्स इंटू एफ ऑफ सॉरी
एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स कहा गया है, तो इसके बारे में बात की जाए। तो एक्स अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, ध्यान से देखिएगा, एक्स अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा बेटा, एक्स की जगह वन प्लस का सी इंटू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया जीरो प्लस, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के बारे में बात की, एक्स एफ ऑफ वन अपॉन एक्स के बारे में बात की, तो भी वैल्यू क्या आ रही बेटा, वन आ रही, तो किसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। मतलब यहाँ पे वैल्यू टू नहीं आएगी, वैल्यू क्या आएगी, अगेन वन ही आएगी। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश ऑफ एक्स करके देख लेते बेटा, ठीक है ना, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स करके देख लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप इसे करते हैं तो देखिएगा इन सब भी ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता है। एफ डैश ऑफ एक्स कर लेते हैं, अगर वन माइनस का सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे उसने कहा था कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देख लीजिएगा ध्यान से क्या करना था बेटा हमें, एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं अगर हम, अच्छा भाई तो एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का सी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और लिमिट एक्स टेंस टू क्या होता है, एक्स टेंस टू आपसे कहा गया था जीरो प्लस, जीरो प्लस, तो जीरो प्लस जैसे ही आपने किया तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, जीरो आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन आना चाहिए था, ऑप्शन क्या आना चाहिए बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये जीरो आ जाना चाहिए था, तो हम इसका आंसर भी जीरो लगा सकते थे, मतलब सी सेक्शन हो सकता था। अब यहाँ पे कहा गया मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस इक्वल टू टू कहा गया है, और एक्स की वैल्यू जीरो से टू के बीच में है, जीरो से टू के बीच में है, तो जीरो से टू के बीच में अगर कहा जाए तो यहाँ पे बात की जाए बेटा, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू डिपेंड एक्चुअल में करेगी एफ एक्स के बारे में बात की गई बेटा, तो एफ एक्स के बारे में तो हम लोग एक काम करते हैं, जो फंक्शन दिया गया है वो आपको कुछ स्टेप्स दिया गया है, फंक्शन दिया गया x प्लस का c अपॉन x आया था एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। हम एक काम करते एम जी एम लगा दें, क्योंकि ठीक है ना, अगर हमने ये लगा दिया तो x इंटू एक्स प्लस का c अपॉन x डिवाइड बाई टू विच इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन रूट ऑफ c अपॉन x इंटू एक्स हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, मतलब x प्लस का c अपॉन x और ये वैल्यू है एफ एक्स, दिस वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू टू टाइम्स रूट सी होगा। अब डिपेंड जो आ रहा है वो सी पर आ रहा है, ठीक है ना। अब सी की वैल्यू क्या होगी, अब सी की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कि सी की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू अगर जीरो से टू के बीच में, ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू अगर जीरो से टू के बीच में है, एक्स की वैल्यू जीरो से टू के बीच में, तो सी क्या होगा, जीरो से टू के बीच में पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, वाई की वैल्यू वन है नहीं, ठीक है ना। तो अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सॉरी अगर पॉजिटिव है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन आ रही ना, एक मिनट, हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, यहाँ पर ये कंडीशन देख रहे थे, ये जो कंडीशन है ना, ये वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर इक्वल टू टू रूट एक्स सी है, ठीक है ना। तो टू रूट सी है तो मतलब ग्रेटर कंडीशन है, मतलब वहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमने रॉन्ग कर लिया, ठीक है। तो बात करें बेटा अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, हाँ दोस्तों बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और एक काम कर लेते हैं, इसके पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक काम किया था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसका जो सेकेंड ऑप्शन था बेटा एक्स स्क्वायर, जो थर्ड ऑप्शन था जिसे हम लोगों ने करेक्ट किया था, एक्स स्क्वायर एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो था, जबकि हम लोग के पास जो एक्स स्क्वायर एफ डेस ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई थी वो एक्चुअल में क्या आई थी बेटा, देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल में सी पर डिपेंड कर रही थी, ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू किस पर आ रही थी, ये वैल्यू डिपेंड कर रही थी सी पर, ये एक्चुअल में जीरो नहीं था, ये जीरो माइनस का सी था, तो मतलब ये जीरो नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो ऑप्शन इसका थर्ड था वो थर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसे, इसका थर्ड ऑप्शन आपका नहीं आ रहा, केवल इसका एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज अ ए, ओके। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा करेक्शन है। और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन जो दिया गया था, इस क्वेश्चन को देख लेते बेटा, हमारे पास इफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश माइनस वाई ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक एक्स
एंड ऑफ वाई ऑफ जीरो देन एंड ऑफ वाई ऑफ जीरो, यहाँ पे वाई ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में जो है ना वाई ऑफ जीरो की वैल्यू है ना वो बेटा मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जो है वो जीरो है, ठीक ना, और देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन दे गया वो एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेटा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो वैल्यू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वैल्यू दी गई है वो एक्चुअल में दी गई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई ऑफ टेन एक्स है, और इज इक्वल टू दिया गया 2 टाइम्स एक्स सेक एक्स दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा केस बेटा, आई एफ आपको दे रखा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा इसका, ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ टेन एक्स हो गया और डी एक्स हो गया। तो ई रेस्ट पावर माइनस का टेन एक्स का, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एल एन, एल एन क्या होता है, एल एन सेक एक्स होता है, याद है आपको क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है। अब लॉग सेक एक्स अगर दिया गया तो इसे हम कॉज एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ई की पावर लॉग कॉज एक्स हो जाएगा, लॉग कॉज एक्स हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा, ठीक ना। ये आई एफ हो गया एक्चुअल में, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा बेटा, वाई इंटू आई एफ, आई एफ की वैल्यू क्या बेटा कॉज एक्स है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड लिखते हैं 2x इंटू सेक एक्स इंटू, अब x की जगह क्या बेटा इंटू आई एफ क्या है, कॉज एक्स है, कॉज एक्स हो गया और डी एक्स हो गया और प्लस का सी हो गया, कॉज एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, तो वाई कॉज एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर आएगी और प्लस का सी आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की वैल्यू की। तो वाई की वैल्यू क्या दी गई बेटा, जीरो दी गई है। कब दी गई है, जब एक्स की वैल्यू जीरो है। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई जीरो, ये जीरो जीरो मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वाई ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स ऑफ स्क्वायर, या वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, कॉज एक्स को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, सेक एक्स लिखेंगे। अब हमें बात करनी है वैल्यूज की, तो वैल्यूज को चेक कर लिया जाए, तो वैल्यूज क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज हम लोग देखते हैं, पहला काम तो डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट कीजिए वाई ऑफ, तो डिफ्रेंशिएट भी करना है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्ट आप पुट करके देख लेते हैं, वाई ऑफ पाई बाई फोर, तो वाई ऑफ पाई बाई फोर पर वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई फोर पुट किया बेटा यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर बाई 16 आ गया इंटू सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर की वैल्यू होती है रूट टू, मतलब ये आ गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 रूट 2, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन ये सही होना चाहिए। सेकेंड अगर वाई ऑफ पाई बाई 3 पुट करके देख लिया जाए तो पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया कि पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 होगा, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 होगा और सेक पाई बाई 3 भी होगा, और सेक पाई बाई 3 की वैल्यू यहाँ तो दी नहीं है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाई डैश ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई ऑफ वाई डैश कर दिया जाए तो वाई डैश की वैल्यू क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्या होता है बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, ओके। और प्लस बात करते हैं सेक एक्स को कांस्टेंट रखा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 2x हो जाएगा। अब वैल्यू फिर से पाई बाई 4 पुट कर दीजिए तो y डैश ऑफ पाई बाई 4 की जो वैल्यू आनी चाहिए, पाई बाई 4 पुट किया तो पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है रूट टू और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी, प्लस सेक पाई बाई 4 अगेन रूट टू इंटू 2 पाई बाई 4। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता हुआ तो दिख नहीं रहा है पाई बाय 4 पर, तो पाई बाय 3 पे काम कर देते हैं, ठीक है ना, पाई बाय 3 पे काम करते हैं। तो देखिएगा y डैश ऑफ पाई बाय 3 देख लीजिए, तो पाई बाय 3 मतलब पाई स्क्वायर बाय 9 और sec पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 की वैल्यू होगी बेटा cos पाई बाय 3 का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू टेन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है रूट 3, ठीक है ना। प्लस अब बात होती है सेक पाई बाय 3, तो सेक पाई बाय 3 की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी इंटू 2 टाइम्स एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की हो जाएगी पाई बाय 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 पाई स्क्वायर बाई 3 रूट 3, ठीक है ना, 3 रूट 3, और प्लस का 4 पाई बाई 3 हो जाना चाहिए। तो अब आप इसके आंसर को भी मैच करा के देख लीजिए,
कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। 4π/3 तो दिख रहा है, 2π/3√3 भी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो हमारे पास ये दो आंसर आपको मैच करते हुए दिख जाएंगे, ठीक ना। तो कौन सा आंसर था आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन था और आपके पास लास्ट ऑप्शन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से आपका रिवीजन हो सके, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, हाँ तो बच्चों, बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो दिया गया था वो, कर्व पासेज थ्रू द पॉइंट 1, π/6, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट दिस बी y/x प्लस का sec y/x, x=0, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज। तो ये क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज तो समझ में आती है कि भाई जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप दिया गया। और स्लोप का मतलब तो बहुत सिंपल सा केस होता है बेटा, स्लोप जहां पे भी दिया जाए इसका मतलब dy/dx होता है। और dy/dx की तो आपके पास ये दी गई है, ठीक ना। ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में dy/dx दिया गया है, ठीक है। और जैसे ही आपको dy/dx अगर दिया गया है, तो हम लोग इसको अगर हम लोग साइड में लिख लें कि dy/dx जो दिया गया है वो दिया गया है y/x प्लस का sec y/x, ठीक है। अगर आपने ये देख लिया तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपको एक चीज तो समझ में आती है कि भाई y=, आपको vx पुट करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना आपको? ये कंडीशन कैसी दिख गई? होमोजीनियस कंडीशन दिख गई। और ऐसे ही कंडीशन को देखते ही आपको याद आता है कि dy/dx की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए वी प्लस का x dv/dx होनी चाहिए, ठीक है। और इसको करने के बाद, अब इसके बाद तो चीज़ें आसान हो जाती है बेटा। आसान कैसे हो जाती है, देखिएगा। आपने क्या किया, इसको सब्सिट्यूट किया, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, इसको हमने क्या किया, सब्सिट्यूट किया। dy/dx का पुट कर दिया वी प्लस, ध्यान से देखिएगा, वी प्लस x dv/dx पुट कर दिया। y/x की जगह क्या पुट कर दिया, वी पुट कर दिया, प्लस हमने पुट कर दिया sec y/x का वी पुट कर दिया। वी से वी कैंसिल हो गया, ठीक ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास ये आ जाएगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल का काम कर जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा तो cos v dv = आ जाएगा 1/x dx आ जाना चाहिए, क्योंकि sec को अगर हम इधर भेजेंगे तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, cos में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। तो आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे आपने cos v का इंटीग्रेशन किया तो वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, साइन वी आ जानी चाहिए, ठीक है। = ये आएगा ln x + c आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया sin y/x, हो गया v की वैल्यू पुट कर ली। = हो गया ln x + c। अब ये जो कर्व है ना बेटा, ये कर्व कहाँ से पास कर रहे थे वही पता है हमें, वो कर्व हमारा पास कर रहा था 1, π/6 से। तो 1, π/6 का यूज करना पड़ेगा, पासिस थ्रू 1, π/6। तो इस चीज का यूज कर लेते हैं, 1 पुट किया तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 पुट किया तो, सॉरी यहाँ पे 1 पुट किया, एक्स वाई क्यों क्या बेटा, π/6 है। और π/6 की तो क्या होती है, 1/2 होती है। = c, मतलब c क्यों क्या आ गई, 1/2 आ गया। मेरे समझ, जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है sin y/x = ln x + 1/2। तो इक्वेशन ऑफ कर्व आपकी ये आ जानी चाहिए थी, sin y/x = ln x + 1/2। तो जो कि आपका आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको टिक कर सकते थे, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो सकेगा। अब बात आती है कि कॉसेक में आ जाता, क्या आ जाता कॉसेक में आ जाता, तो हम लोग क्या कर सकते थे, सिंपल, यहाँ पास ये आंसर आ चुका है तो साइन के फॉर्म में आ ही गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, हम लोग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और कुछ क्वेश्चंस के बारे में ही और बात करेंगे और इसको फिर हम लोग पैकअप करेंगे इसका, ठीक है ना। तो समझते हैं कि कुछ क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे और कैसे आपको करना होगा। तो आपके पास या तो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जो भी इक्वेशंस मिलते हैं या तो डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो लीनियर इक्वेशंस के मिलते हैं या वेरिएबल सेपरेबल के मिल जाते हैं, जिससे आप उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। होमोजीनियस के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही रेयरली आते हैं, और रिड्यूस्ड होमोजीनियस के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मेंस लेवल में नहीं आते हैं,
ठीक है। और अगर इन केस अगर आएंगे भी तो बहुत इजी पैटर्न के होंगे जो कि आप इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या दिया गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको पी की वैल्यू ये दी गई है, पी इज इक्वल टू दिस, आपको याद होगा शायद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, क्यू होता था, जहाँ पे आपको आई एफ निकालना पड़ता है। तो आई एफ अगर आपको मालूम हो जाता है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से आई एफ के बारे में बात करेंगे, तो आई एफ किसका निकलेगा बेटा, ई रेस्ट पावर, ध्यान से देखिएगा, 2x+1/x dx का निकलेगा, मतलब ई रेस्ट पावर ये एक्स एक्स कट जाएगा बेटा, टू आएगा, तो टू का क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस 1/x का होगा ln x हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो वैल्यू है वो ई पावर 2x तो है ही और ई पावर ln x है, तो मतलब ये हो गया ई पावर 2x और ई पावर ln x का मतलब x होता है, ये एक्चुअल में केस है, ये आई एफ हो गया। अगर ये आई एफ है तो हम इसका सोल्यूशन निकालना, तो सोल्यूशन क्या होता है बेटा, वाई इंटू आई एफ होता है, तो एक्स इंटू ई पावर माइनस का टू एक्स सॉरी प्लस का 2x है इज इक्वल टू हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड ई पावर माइनस का 2x इंटू आई एफ कर लेते हैं, तो एक्स ई पावर 2x dx हो गया और प्लस का c आ गया, ई पावर 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स वाई ई रेस्ट पावर 2x इज इक्वल टू एक्स का क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा और प्लस का सी आ जाना चाहिए, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स की जब वैल्यू वन है, ध्यान से देखिए एक्स की तो अगर वन है तो वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वन है, ये 1/2e² है, ये ई पावर 2x है, तो मतलब 2 की वैल्यू 1 हो गई, ई पावर एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा 1 पुट कर दी, 1/2 और प्लस का सी आ गया, ई इसका कट गया 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसका मतलब है सी की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी, और जैसे सी की वैल्यू 0 आ गई तो आपकी जो इक्वेशन बनती हुई दिखेगी वो क्या दिखेगी बेटा, सी की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स इंटू वाई ई रेस्ट पावर 2x इज इक्वल टू दिख गया x² / 2, इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और वाई की जो वैल्यू आपको दिखेगी वो दिखेगी एक्स ई रेस्ट पावर माइनस का 2x/2 दिख जाएगी, ये आपकी इक्वेशन दिख जाएगी, ठीक है। अब हमें इसके बारे में ही बात करनी है कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, तो एक काम करते हैं पहले तो हम इस वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं और देन हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर लॉग ई टू लगाते हैं एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, लॉग बेस ई टू के बारे में बात कर ली, ठीक है, तो देखा जाए क्या हो सकता है, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा इसे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मूव करा ले, तो हम लोग देखते हैं कि जो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू है x/2e/2x है और x की जगह हमें पुट करना है log बेस e 2 पुट करना है, मतलब e पावर x की जगह पुट कर देना है 2, ध्यान से देखिएगा e पावर x का मतलब क्या है 2 है, तो y इज इक्वल टू जो आना चाहिए था आपके पास x की जगह क्या पुट किया होता है log बेस e 2 पुट कर दिया, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 हो गया और e पावर 2x है, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब e 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4, तो मुझे लगता है कि log बेस ई टू डिवाइड बाई 8 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, मतलब सी और डी का आंसर तो हमारा नहीं हो सकता है, ओके, सी डी का आंसर हमारा नहीं हो सकता है, बच क्या बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में बेटा हमारे पास इक्वेशन तो आपको पता ही है, ठीक है ना, उसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, जैसे डी वाई बाई डी एक्स किया तो यहाँ पे क्या जाएगा x आ जाएगा e पावर माइनस का 2x होगा और e पावर माइनस 2x का माइनस का 2 होगा और डिवाइड बाई 2 तो ऑलरेडी है प्लस 1/2 e पावर माइनस का 2x आप लेंगे, ठीक है ना, ये तो होगा x का 1 हो जाएगा, e पावर माइनस का 2x अगर आपने कॉमन लिया तो आपको बचा क्या यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ बचेगा 1/2 और माइनस का x बच जाएगा, मतलब e पावर माइनस का 2 बचेगा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक ना। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में बात करें, मान लेते हैं इंक्रीजिंग है, ग्रेटर 0 हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 1/2 होनी चाहिए, एक्स अगर लेस देन 1/2 है तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये इंक्रीज करेगा, 1/2 से छोटा होगा तब, ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो 1/2 से छोटा होगा तब
वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब 1/2 से बड़ा होगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा सही हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1/2 से अगर बड़ा है तो ये क्या करेगा बेटा, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1/2 से छोटा है तो क्या करता बेटा, वो इंक्रीज का केस लगाया था, क्योंकि ये क्या लगाया था, ग्रेटर देन 0 लगाया था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता तो क्या करना होता बेटा, क्या करेंगे, पहली बात तो वाई ऑफ एक्स निकाल लेंगे। वाई ऑफ एक्स अगर आपने निकाल लिया है तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्स्टेंट निकल आया, देन आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने सी डी को डायरेक्ट पहले चेक कर लिया, सी डी को चेक करने का फायदा क्या रहा कि आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जानी चाहिए थी, वो आपकी मैच नहीं करी। लेकिन फिर क्या करना है, अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बारे में बात हो रही है, तो डिक्रीजिंग के केस में क्या करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इतना भी क्वेश्चंस कर लिया तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छे से आप इसे सॉल्व कीजिए, और आई होप आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपके क्वेश्चंस इजीली हैंडल हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।